इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। अरे ईशान, साले हैम्पर जीता था तो मैंने कहा था ना भाई, किसी को चॉकलेट मत खिलाना। तुमने मायशा को चॉकलेट खिला दी, बदतमीज। हैम्पर वापस कर दो। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, के रहो, हाल कैसे का, नमस्ते, केम ऑन अचवन, वेलकम टू बिग बॉस 15 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? द नेशन वॉन्ट्स टू नो वाई इज कलर्स टेलीविजन एडमेंट टू शो अस दैट व्हाट इज हिज नेम कुंद्रा, करण कुंद्रा इज रोमांस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग करण कुंद्रा। बिग बॉस में करण कुंद्रा को हम पर लिटरली थोपा जा रहा है। एंड भैया, आज करण कुंद्रा ने इस तरह का एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया जहां पर वो आंखों से आंसू नहीं, यहां पर मुंद्राएं बहा रहे थे। इट वॉज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। वहां पर उमर रियाज अपना खून पसीना एक कर इतना जबरदस्त कंटेंट दे रहा है, स्टैंड अप कर रहा है घर में सबके अगेंस्ट। ऐसी भिड़न चल रही है उमर एंड सिम्बा के बीच में। सिम्बा वो कंटेस्टेंट जो पिछले एक महीने से दिख नहीं रहा था, उन दोनों का झगड़ा दिखाने के बदले यहाँ पर मरण मुंद्रा रोते हुए जाते सिगरेट रूम में। उसके पीछे शो की मालकिन, सबकी प्यारी, हमारी शमितिया हाँ, उसको उन दोनों को दिखा रहे तुम लोग जाकर। हाँ, कलर्स वालों का इतना बायसनेस कभी जिंदगी में नहीं देखा, नंबर वन। नंबर टू, तुमको यहाँ पर ईशान मायशा का रोमांस नहीं दिखता। वो दोनों दिखते कितने खूबसूरत है, खूबसूरत कपल कहूंगा उन दोनों को, लेकिन उनका रोमांस तुमसे देखा नहीं जाता। बेचारा हैम्पर में ईशान चॉकलेट जीता, एक टुकड़ा मायशा को खिलाया तो तुम्हारी इतनी जल गई कि बेचारे का उसका हैम्पर पूरा का पूरा वापस ले लिया। ये दोगलापंती अच्छा नहीं लगा हमको। लेकिन गाइस, आज जो झगड़ा हुआ सिम्बा उमर के बीच में, फैबुलस। उमर रोज अप टू द ओकेजन। बोलता है तू मेरे को मेरी औकात दिखाएगा। हाँ, तेरे को लगता है मैं अपने भाई के वजह से यहाँ पर आया हूँ? जब तू है ना लॉकडाउन में कोविड के दौरान कमरे में छुप के बैठा था ना, वहां तब मैं लोगों की जान बचा रहा था। उमर रियाज फैबुलस, ब्रिलियंट, यू आर प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंगली। चाहे कलर्स तुमको कितना भी नीचा दिखाए, कितना भी तुम्हारा फुटेज कम करे, जिस तरह से तुम्हारा भाई फाइनल में आया था अपने दम पर, उसने अपनी एक ऑडियंस बनाई थी, यू आर डूइंग द सेम थिंग। इसीलिए आज जनता तुमको सपोर्ट कर रही है। लेकिन प्रतीक सहजपाल, तुम क्या कर रहे हो मेरा भाई? किसी को खेलने देना ही नहीं देना है घर में। प्रतीक सहजपाल ऑल्सो प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। घटिया लोग मुझे प्रोवोक करते हैं, मैं इतनी जिंदगी में नीचे नहीं गिर सकता। अब शमिता यहाँ पर वो बनी है, यहाँ पर वो कहती है ना कि सब सबकी मालकिन बनी है। मेरा कौन कौन नौकर है? मेरा नौकर कुंद्रा है, मेरा नौकर कोटियन मेरा नौकर है, अदनान तो मेरा छोटू है, एंड आज सिम्बा को भी नौकर बनाती हूँ। तुम घर में उमर का झगड़ा जिसके साथ भी हो जाए, शमिता शेट्टी उसके लिए मैदान में कूद जाती है, क्योंकि पता है बिग बॉस की बेटी है शमिता शेट्टी, कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको। हाँ, यहाँ पर शमिता बोलती है आप लोगों को इतना नहीं गिरना चाहिए नीचे, मैं तो जानती हूँ उमर कैसा है। हाँ, कुंद्रा बोलता है सेम चीज मेरे साथ भी हुई है यहाँ पर, समझ में आया ना? कुंद्रा कहता है मेरी हिस्ट्री सुन ले जाकर, बाहर में क्या तोप था। करण कुंद्रा इस घर में क्या प्रूफ करने के लिए आया है? हाँ, मेरी हिस्ट्री जान ले, मैं कितनी लड़कियों को डेट कर चुका हूँ, मेरी हिस्ट्री जान ले, मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ। नहीं जानना, नहीं सुनना हमको भाई, आप थोपे गए हो हम पर, हम देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कलर्स के दामाद हो, आपको थोपा गया है हमारे सर पर, इसलिए हमको देखना पड़ रहा है यहाँ पर। हाँ, ईशान आता है, ईशान यहाँ पे कह भी रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि उमर ने यहाँ पर सिम्बा की माँ को गाली नहीं दिया था, उन्होंने रूल्स को कुछ बोला था। एंड यहाँ पर ईशान भी कहता है उमर ने गाली नहीं दिया सिम्बा तेरे को, जय भी उसको वही समझा रहा है कि माँ की गाली नहीं दी। अब उमर आता है, उमर वाज अनकंट्रोलेबल। लेकिन भैया, अदनान आपकी दाद दूंगा, राजीव अदातिया यू विल गेट सीरियसली इंजर्ड। प्रतीक सहजपाल की एक हड्डी लगी तो तेरे 50 किलो मास के अंदर से सीधा हड्डी टूट के हाथ में आ जाएगी। अदनान वॉज फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ बॉल्स, बॉल बम्प्स ऑन द ग्राउंड, इतना गंदी तरीके से एक दिन मार लगेगी ना इसको।
छुईमुई सी तुम लगती हो। वो मारामारी में अदनान अदातिया सेविंग एवरीबडी फ्रॉम द फाइट, यहाँ पर उमर आता है, अदनान उसको रोकता है, सब उसको भागते भागते जाते हैं, अदनान दो बार जमीन पे गिरता है और उमर जाके सिम्बा को बोलता है क्या करेगा, फाड़ना फाड़ना मेरे को फाड़ना, मार के दिखा मुझे, मार तू मार, पूरी असीम की झलकियां दिख रही थी उमर के अंदर, क्या मारने जा रहा था उसको सिम्बा को, एंड सिम्बा ऐसा खड़ा था वहां पे सब पकड़ के रखे थे उसको, सिम्बा की लिटरली फट गई या तो फिर ठंडा पड़ गया था वहां पर। और इसके बीच में अगर उमर का अग्रेशन कम नहीं हो रहा था तो अफसाना यहाँ पे चालू हो गए, टच करके दिखा मुझे, अगली बार सिम्बे तूने मेरे को हाथ लगाया तो मैं तेरा सर पत्थर से तोड़ देना है। सिम्बा की फट गई, बोला भाई उमर तो मार ही रहा है, यहाँ पे ये भी आ गई है, क्या नाम है इसका, अफसाना भी मारने के लिए आई है। अदनान बीच में आ रहा था, एक हाथ लगता था उड़ जाता है वो यहाँ पे, उमर बोलता है फाड़ ले, समझ में आ गया, जय बोलते इग्नोर करो। एंड वहां पर इस सारे झगड़े के बीच में पीछे छोटू मच्छर, जिसको ईशान मच्छर बोलता है, प्रतीक सहजपाल थ्रोस वाटर ऑन ईशान, किसने पहले पानी फेंका ये ऑनेस्टली मैं लाइव देखने को मेरे को ताकत भी नहीं है, जो टीवी पे दिखाते वही मैं देखता हूँ खाली। यहाँ पर फिर तो शुरू हो गई ना, दोनों एक दूसरे के मुंह पे आ रहे मारने के लिए, तू मच्छर आया यहाँ पे बोलता है, क्या बोलते हैं प्रतीक बोलता है, तो चिल्लू एक नंबर तू मच्छर दो। अदनान, अरे अदनान भैया आपको इतना शक्ति है नहीं, आपका बदन गद्दे जैसा है, आपको किसी ने मार दिया तो आप यार कहाँ रोते हुए जाओगे। अदनान जाके ईशान को पकड़ रहा, ईशान बोलता मार दूंगा तेरे को साले, प्रतीक बोलता आना मारना मारना, दोनों फेस टू फेस आ रहे, फुल मारामारी झगड़ा होने के जाके बीच में यहाँ पे गई है, प्रतीक बोलता है मार यहाँ पर। एंड इसके बीच में अफसाना वापस प्रतीक के ऊपर चढ़ गई, संभल के रहना, समझ गया ना, मुझे हाथ मत लगाना, अपेरेंटली समवन टच्ड अफसाना ऑन द रॉन्ग प्लेस ड्यूरिंग द टास्क। अदनान तो पूरा अफसाना पे गिरा हुआ था टास्क में। हाँ, प्रतीक कहता है कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको वो करने के लिए। जय बोलता है राजीव पूरा अफसाना पे गिरा हुआ था, उसके ऊपर बैठ गया जाकर, तब अफसाना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पर। सिम्बा बोलता है आई एम शांत, मैं शांत हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। कुंद्रा कहता है अफसाना ने कहा कि किसी ने मुझे छाती पे छुआ। शमिता कहती है अजित समवन सी दैट रियली शमिता, Did someone see that? तुम्हारा दर्द दर्द बाकी का दर्द हाँ क्या यार, कसम से कभी कभी ना ऐसी हरकतें करती ना शमिता शेट्टी। तेजू कहती है उसको प्रॉब्लम है, तेजू और शमिता के बीच में फाड़ लफड़ा होने वाला है यार, शुरू हो चुका है, इस पे हम लोग आएंगे शो के एंड में। तेजू कहती है उसको प्रॉब्लम है अफसाना को, वो महिला है, उस पर पाउंस मत करो। प्रतीक कहता है मेरा इंटेंशन खराब नहीं था, मैंने सॉरी बोल दिया। करण कुछ फालतू एग्जांपल देता है, कोई लड़की को कुछ बोलता है, क्लियरली पता नहीं चल पाया। प्रतीक कहता है वो मेरा मेंटर है कुंद्रा, ऐसा फकिंग स्टूपिड एग्जांपल दे रहा है। हाँ, उमर कहता है अब तो उमर तो आगे क्या भिड़ता है ना, सिम्बा को एकदम जिपिट कर देता है। उमर बोलता है अबे साले यार फक योर ब्रेन सिम्बा, डेली सोप के हीरो, मैं तुझे बताऊंगा मैं यहाँ क्यों हूँ, तू मुझे बोल रहा है ना मैं अपने भाई की वजह से यहाँ पे हूँ, मैं तुझे दिखा दूंगा। जय बोलता है व्हाट द फक यू मीन बाय डेली सोप का हीरो, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं डेली सोप कर आया हूँ। शमिता बोलती है आई नो उमर ऐसे ही है, एक काम करो ना शमिता, पासपोर्ट बना लो अपने शमितिया नगर का, एंड वहां पे उमर को पासपोर्ट डिनाई कर देना तुम। वो लड़की को देख ही नहीं सकती है, इतनी खुन्नस, अरे क्या तुम्हारे घर से क्या वो खाना लेके भागा है क्या उमर रियाज, हाँ सीरियसली। उमर बोलता है देख लेंगे तुझे क्या कर सकता है। अब जाता है प्रतीक जाता है कुंद्रा के पास, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे मेंटर थे, तुम मेरे पीठ पीछे क्या बोल रहे हो, मेरा वैसे इंटेंशन नहीं था। कुंद्रा बोलता है फक योर सेल्फ, मैं कोई ऐसा बोला ही नहीं तेरे लिए, मैं कुछ खराब बोला ही नहीं है। इसके बीच में उमर वहां जाकर फुल सिम्बा की बैंड बजा रहा है, अबे लॉकडाउन में तू रूम में बैठा था, मैं जाके लोगों को संभाल रहा था, समझ में आ गया ना मेरा ओहदा क्या है, मैं जानता हूँ, समझ में आ गया तुझे। हाँ कुंद्रा रो रहा, प्रतीक ने मुझे ऐसा बोला, मैं उसका मेंटर था, अच्छा नहीं लगा। शमिता बोलती है हे बेबी डोंट क्राई, वी आर प्रिविलेज्ड, वी हैव एमजी, वी हैव एंटर्ड द हाउस, वी गो टू फिनाले, लेट्स गो टू स्मोकिंग रूम, लेट्स स्मोक अ सीगी। क्या उसको लेके गया अंदर, क्या रो रहा था करण कुंद्रा, ऐसा लग रहा था फुल कॉमेडी चल रहा है। उसके बीच में उमर सिम्बा का झगड़ा चल रहा है, लेकिन करण वाले कलश वाले ये करण का फालतू ड्रामा हमको दिखा रहे हैं। उमर कहता है दिखा तेरी गांड में कितना दम है, दिखा 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 सिम्बा दिखा, मुझे मार मुझे मार मुझे मार, और क्या फुल चढ़ा। सिम्बा भी अगली बार 10 बार सोचेगा झगड़ने के लिए, 10 बार नहीं है। सिम्बा क्या बोल रहा है पता है, वीकेंड के वार पे ना एक बार अखाड़ा हो जाए मेरे साथ, मैं उसे मार दूंगा, आ जाओ बेटा सिम्बा देखते वीकेंड का क्या होता है। शमिता कहती है डोंट डू दैट उमर,
आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिम्बा। वाह भैया, आप जिसके भी फॉन्ड हो, मतलब उसको कुछ बोलना ही नहीं है घर में, अदनान की मम्मी बन के बैठी हो अब, ये उमर की अगेंस्ट तुम सिम्बा की मम्मी बन के बैठी हो यहाँ पर। हाँ उमर कहता शमिता तुम बीच में मत पड़ो, तुमने जब मैं पूल में फेंका इसने मुझे, तब तो तुम बीच में बोलने के लिए नहीं आई। हाँ तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए हम जैसे लोग हमेशा गलत रहेंगे, समझ में आ गया। गेम शुरू होता है, प्रतीक और सिम्बा जाके उमर को पकड़ लेते हैं। उमर पूल हिला रहा हिला रहा हिला रहा, हिलने की कोशिश कर लेकिन हिल नहीं पाता है, और वहां पर नारियल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उमर भागता भागता पूल में जम मार देता है, स्वयं पूल में जम मारता है, कोई उसको धक्का नहीं देता है यहाँ पर। और उमर कहता है तुम लोग इतने चीप हो यहाँ पर, क्योंकि बीच में कोई चिल्लाता है कि अब तो तू डूबा नहीं पूल में जाकर, होता मैं खुद से गया था नारियल लेने के लिए। जय को बोलता है जय आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर एक्टिंग, आई रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, आई एम टेलिंग सॉरी टू ऑल द इंडियंस। क्या बोल रहे हो हाँ? अदनान फुल एक्टिव है, अदनान नारियल वाले ले रहा है, जमीन पे गिर रहा है, रोली पोली कर रहा है, फैंटास्टिक लग रहा है। अब दोनों टीम नारियल लाती है एंड उमर की जो टीम है वो विजेता होती है, एंड उमर और निशान फुल चिढ़ा रहे प्रतीक को, ए बकरे फुल को चिढ़ा रहे जाकर प्रतीक को। हाँ उमर टीम जीतती है, अफसाना जो है वो निशान को नॉमिनेट करती है। ये सुनने के बाद निशान के जो मुंह है उसमें छाले आ जाते हैं, उन्होंने मुझे नॉमिनेट कैसे किया, इसे कैसे किया। अबे भैया तू क्या तोप है क्या कहीं का, ये तेरे को नॉमिनेट नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ अब गए विशाल जो है ये यहाँ पर कोटियन फुल सेटिंग कर रहा है, ईशान को अपने टीम में ले लेता है। अदनान को बोलता है ईशान हमारे टीम में, हमारे टीम की तरफ से खेल, हम साथ में फिक्सिंग करेंगे, अफसाना को नॉमिनेट करेंगे। अदनान कहता है ओ दिस इज सो चीप। शमिता कहती है वो चीप, नो चीप, आई एम ओनली टेलिंग यू नो चीप मीन्स नो चीप। अदनान ओके नो चीप मीन्स नो चीप। हाँ ईशान कहता है नहीं रे अपन अकेले गेम खेलेंगे रे, अपन है ना ईशान और अदनान को लोग की टीम से खेलने दे। टास्क शुरू होता है, सब लोग तेजू के ऊपर जम मार देते हैं। वापस से प्रतीक एंड सिम्बा अटैक करते हैं, क्या करते हैं पता है, अफसाना और उमर लोग का बंकर रहता है ना, सब लोग नारियल ले लेते हैं। प्रतीक वतीक शॉर्ट वर्ड निकाल के आते हैं मास्ट, यहाँ पर सिम्बा भी आता है, जाकर फुल जाके ना ये लोग उमर के बंकर में अटैक करते फुल लेकर आ जाते हैं। इसके बाद उमर तरह तरह भागा भागा सा ईशान, वो दोनों जाके प्रतीक के बंकर में अटैक करते हैं, वहां से भी नारियल लेके आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रतीक की टीम जीत जाती है। एंड प्रतीक कहता है ईशान को मैं नॉमिनेट करूंगा क्योंकि वो भेड़ चाल कर रहे हैं। ईशान बोलता है तू मुझे सिखाएगा प्रतीक भेड़ चाल क्या होता है, खा ले बकरी। तो गाइस अब इस हफ्ते नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है, एंड नॉमिनेशन में है सुंदर कन्या मायशा, यहाँ पर है छोटे बच्चे बचकाने सिम्बा, साथ में है आशिक दिल फेक आशिक ईशान, साथ में है यही है निशांत, एंड यहाँ पर है डॉक्टर साहब उमर। तो ये सब नॉमिनेटेड, एंड आई थिंक सो इसमें सिम्बा को चले जाना चाहिए घर पर, क्योंकि मायशा जाएगी नहीं, ईशान को भेजेंगे नहीं, मायशा एंड ईशान का रोमांस इनको आगे ले जाना है, निशांत डेफिनेटली नहीं जाएगा, उमर भी नहीं जाएगा, तो सिम्बा आई थिंक लेट्स सी, बहुत टफ है इस टाइम, किसको उड़ा देते हैं इन लोग पता नहीं, लेकिन माय बेट सिम्बा निकल जाएगा शो में से। जय यहाँ पर इशू क्लियर करता है, कल जो इशू हुआ था मैं ना अदनान को चूज करूंगा जो ईशान ने बोला था, मायशा बोलती चलो बैठ के बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जय ने जो कहा था वो सही है या गलत है। यहाँ पर अदनान बोलता है नहीं 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 इसने ऐसा नहीं बोला था चूज करूंगा, उसने खाली इतना बोला था कि मैं साथ दूंगा, समझ में आ गया। तेजू बोलती निशान तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रे, पहले मेरे को तेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन अभी तेरे लिए कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को तेरे लिए। हाँ प्रतीक कहता उमर की तो फट गई है, दूसरी बार झगड़ने के लिए नहीं आया। सिम्बा कहता वीकेंड पे दंगल करो ना, वापस उठा के मारूंगा। एक कोटियन एक दिन गू खाएगा, कोटियन पक्का एक दिन भर के एक प्लेट मस्त टट्टी खाएगा। ये क्या करता है, वीकेंड के और पे नाटक करता, मैं किसी को नहीं बोला, मैं इसको उधर की उधर नहीं किया। यहाँ टास्क में उमर को गले लगाता है, रात को उमर के पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। हाँ कोटियन कहते हैं यहाँ पर नहीं 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 उमर की तो हो गई ये हो गई, उसको उसके पीछे गले लगता है, एंड यहाँ पे इनके हाँ में हाँ मिला रहा है, ये निशांत और ये प्रतीक और सिम्बा के उमर की बुराई कर रहे हैं। हाँ फिर गए वापस से टाइम पास शुरू होता है, 8 मिनट का टाइम पास था, मतलब रॉयली है ना फॉरवर्ड किया इसको कुंद्रा एंड तेजू का टाइम पास। आई डोंट केयर शिट मैन, I don't want to see them. I don't not interested. I don't invest my एक second उनका भंकस romance देखने के लिए। This message should go to the colors team. कि we are not interested in seeing this fake romance. You are thoping this romance on us. ये गाना बजता है कुड़ियानु ठगले कुड़ियानु ठगले, वो सस्ता कोरियोग्राफर निशांत अवस्थी क्या फालतू कोरियोग्राफी करता है, वो एक ही करता रहता है, उसको कुछ आता है क्या डांस सिखाने के लिए।
हाँ, और सस्ता रणवीर सिंह कोटियन, और यहाँ पे तेजू वो अपनी मस्ती में घूम रही डांस करते हुए। अब गाइस यहाँ पर मायशा बिचारी शक्कर के पराठे बनाते हुए दिखाई दे रही है। प्रतीक का पता ना सुबह सुबह वो यहाँ पर संचालक बनने की कोशिश करता है। मैं कहता है मायशा तुम शक्कर के पराठे, शक्कर शक्कर थोड़ा कम दे, शक्कर थोड़ा खत्म हो रहा है। उमर बोलता है ओ भाई शक्कर क्या अकेले मायशा खा रही है, दूसरे लोग भी शक्कर यहाँ घर में खा रहे हैं, तुझे क्या पता कौन कितना शक्कर खा रहा है। एक काम कर मुझे मत सुना, सबको सुना जाके मुझे क्यों बज रहा है, मेरे सामने तेरी ओकड़ी निकाल दूंगा मैं मार मार के। उमर बोलता है शक्कर सब लोग खा रहे ना घर में, तो काय को मेरे को और मायशा को सुना रहा है, जाके बाकी लोगों को भी सुना। तो प्रतीक बोलता है सुना रहा हूँ बाकी लोगों को, तुम दिख गए हो यहाँ पे, तुमको सुना रहा हूँ। कोटियन कहता है उमर हिला हुआ है, बेटा कोटियन एक दिन सब तेरे को मिलके हिलाएंगे, सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ अदनान सिम्बा दोस्त बनने की कोशिश कर रहे, बस बात कर रहे बैठ कर वहां पर। उमर कहता है प्रतीक राष्ट्रिंग मत किया कर, निशांत आता समझाने के लिए। निशांत प्रतीक की मम्मी, कुछ भी हो तो निशांत आएगा बचाने के लिए। तो उमर कहता है कल तो तू नहीं आया निशांत, कल जब मेरे को धक्का मारा पूल में तू किधर था, हाँ आज हीरो बन के आ रहा है। मायशा है निशान बैठ के साथ में बात कर रहे हैं, एंड कैप्टन जी टास्क, अरे भाई ये याद करने में ना 10 दिन लग जाएंगे। टास्क कैसा है सुनो तुम लोग, यहाँ पर जय की पत्नी अफसाना है, जय बोलता है मैं क्विट कर दूंगा। जय और अफसाना जो चाचा चाची है, यहाँ पर मायशा एंड राजीव उनके बच्चे है। मायशा की शादी हो चुकी है और घर का जमाई राजा जो है वो कोटियन है। राजीव का दोस्त है ईशान, यहाँ पर जय का जो भाई वो मर चुका है, एंड उसके बड़े भाई के पास दो बेटे थे, दोनों बेटे में से एक बेटा है करण कुंद्रा, दूसरा बेटा है निशांत। यहाँ पर तेजू जो है वो निशांत की बीवी है, प्रतीक उनका अडॉप्टेड सन है। प्रतीक बोलता है मार लिए मेरी, अडॉप्टेड बना दिए। कुंद्रा की बीवी है शमितिया, छोटी बहू, एंड सिम्बा उमर उनके बेटे हैं। दो झगड़ों के बीच में झगड़े होते हैं, दो घरों के बीच में झगड़े होते हैं, एंड तेजू एंड शमिता दोनों आपसी बहू है जो झगड़ते रहते हैं। यहाँ पर घंटियां बजेगी, सबको एक एक सीक्रेट बताया जाएगा। अगर आप सीक्रेट बताते हो, यानी कि डिसाइड करते हो कि सीक्रेट को सबके सामने रिवील करने के लिए, तो जिस आदमी का सीक्रेट है वो ऑटोमेटिकली कैप्टनसी के रेस से आउट हो जाएगा, एंड आपको एक हैम्पर मिलेगा खाने के लिए। तो क्या सबको सीक्रेट बताते हैं अंदर आके। सिम्बा कितना नादान बच्चा है, देखो ना तुम लोग। सिम्बा को बोलते हैं ईशान एंड मायशा आपस में प्यार करते हैं, तो बिग बॉस वो क्या सीक्रेट है क्या? हाँ ईशान, हाँ सिम्बा वो सीक्रेट है, उसको भेज देते हैं वहां पर। उमर को बुलाते, उमर बोलते हैं मम्मी मम्मी शमिता क्या मैं जा सकता हूँ कन्फेशन रूम में, तो बोलते जा, और शमिता के पैर पड़ता है, फुल सार्कास्टिक, मजा आ गया। सब लोग राज सुन लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे का, एंड गाइस यहाँ पर जो अंदर जाने रहता है राज कहने के लिए, सब शमिता को धक्का मार के अंदर चले जाते हैं। प्रतीक जाके पहले बैठ जाता है वहां पर, शमिता को खींच देते हैं। प्रतीक कहता है मेरे पास करण का राज है, कि उसे जुआ खेलना पसंद है। ईशान यहाँ पे कहता है कि सिम्बा अपने मम्मी के पर्स से पैसे चोरी करता है, तो यहाँ पर कुंद्रा आउट हो जाता है। प्रतीक को दिया कुंद्रा का नाम ताकि उसकी बैंड बजा दे, शमिता को दिया तेजू का नाम ताकि उसकी बैंड बजा दे, वो कैप्टन नहीं बने। बहुत स्मार्ट यहाँ बिग बॉस सेलेक्ट किया। यहाँ पर ईशान को बिचारों का हैम्पर मिलता है, अपनी आइटम को चॉकलेट खिला रहा है, एंड ये मॉरल पुलिसिंग बिग बॉस, अरे आपको बोला आप खुद खाओ, अरे यार खा एक खिला दिया लड़की को, तुम लोग पक्का इनका ब्रेकअप करके रहोगे। ये सेम वो पारस माहिरा की कहानी हो रही है, वो बेचारे देखो आज तक साथ में है, हमने कितना मजाक उड़ाया उनका, अरे फालतूगिरी कर रहे हो बेचारा, आज तक आबरागड़ाबड़ा टक कुछ खबड़ा साथ में बेचारे वो उसके साथ में माहिरा के साथ में। तो ये ईशान और यहाँ पे मायशा भी इनकी जोड़ी बनने चाहती है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि ये लोग यहाँ पे जोड़ी बन के रहे हुए यहाँ पर। हाँ अब गाइज यहाँ पर उमर जो है, उमर काफी अच्छी बात करता है। उमर बोलते प्रतीक अच्छा बच्चा है, अच्छा बंदा है, लेकिन थोड़ा बॉसी बनता है, अपने आपको थोड़ा बॉस बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उमर एंड प्रतीक मिल जाएंगे ना, फाड़ देंगे घर में सबकी, मैं चाहता हूँ ये हो जाए यहाँ पर। हाँ तो गाइज यहाँ पर अब शमिता जाती है अंदर, कहती है तेजू ने अपने ससुर का मर्डर किया है, तो तेजू आउट हो जाती है। कुंद्रा अंदर जाता है, कुंद्रा के पास निशांत का नाम रहता है, बीरा 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 बीरा, ये क्या नौटंकी है लोग के बीरा बीरा। कुंद्रा कहता है कि निशांत 5 दिन में एक बार नहाता है, तो निशांत आउट तेजू आउट। यहाँ पर तेजू बोलती है शमिता कितना डेस्परेट हो रही थी, मेरा नाम लेने के लिए डेस्परेट है वो, और यहाँ पर कुंद्रा फालतूगिरी करता है। कुंद्रा बोलता है तेरे को नहीं मालूम शमिता तेरे से सड़ी हुई है लाइफ में, कुंद्रा बोलता है। यहाँ पर तेजू कहती कितनी जेलस है, कितनी इनसिक्योर है शमिता मेरे से, पिस्ट ऑफ हो गई हूँ मैं शमितिया से। लेट्स सी तेजू और शमिता का झगड़ा आगे कितना जाता है, क्या उमर अपनी आग और उगलेगा, क्या सिम्बा और म्याओ करेगा या नहीं करेगा, जानने के लिए देखिए बिग बॉस सीजन 15 विद मी आमिर अंसारी। मैं आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गॉट टू सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से।
स्टे कूल मैन, गुड नाइट।